नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण का चैप्टर। आज की कक्षा में हम करेंगे इसी की बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास निम्न विराम चिन्हों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। ये हमें विराम चिन्ह दे रखे हैं, इनके अनुसार हम वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले क पे हमें दे रखा है पूर्ण विराम, मेरा नाम सीता है, पूर्ण विराम। ख में हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ग अल्प विराम, राम अल्प विराम, मोहन और पवन खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। घ विस्मय आदिबोधक चिन्ह, अरे विस्मय आदिबोधक चिन्ह, तुम कैसे गिर गए, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे हमें बता रखा है निम्न चिन्हों का सही मिलान कीजिए, पूर्ण विराम को हम उसके चिन्ह से मिलाएंगे, उसके बाद अल्प विराम को हम उसके चिन्ह से मिलाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हम उसके चिन्ह से मिलान करेंगे। विस्मय आदिबोधक चिन्ह को हमने उसके चिन्ह से मिलान कर दिया। निम्न वाक्यों में रेखांकित स्थान पर आने वाले सही चिन्हों को हमें चिन्हित करना है। असलम अल्प विराम, आप कहाँ रहते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह, वाह क्या है, विस्मय आदिबोधक चिन्ह का शब्द है, इसीलिए हम इसके आगे लगाएंगे विस्मय आदिबोधक चिन्ह। क्या बगीचा है, पूर्ण विराम। ये हो गई बच्चों को एक्सरसाइज, आगे चलते हैं इसके कॉपी पार्ट की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास होगा विराम चिन्ह किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। वाक्य में विराम देने के लिए लगाए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं, पूर्ण विराम। प्रश्न दो है, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं, जैसे पूर्ण विराम से हमने वाक्य बनाया मेरा नाम सीता है और प्रश्नवाचक चिन्ह से हमने निशान वाक्य बनाया है तुम कहाँ जा रहे हो। थर्ड नंबर पे दे रखा है अल्प विराम, अल्प विराम से हम वाक्य बनाएंगे राम अल्प विराम मोहन और पवन खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। विस्मय आदिबोधक चिन्ह से हम वाक्य बनाएंगे अरे विस्मय आदिबोधक चिन्ह, तुम कैसे गिर गए, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछा जा रहा है। ये हो गई है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे अपनी बुक और कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास इसको सेंड करना है।